करती हूँ, आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ कैरी के मुरब्बे की रेसिपी। जी तो कैरी की सौगात आ चुकी है, गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को मुक्का मार दीजिए, ज़ोर ज़ोर से मुक्का मार के तोड़ दीजिए सब्सक्राइब बटन को। चलिए जी तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर हाफ के जी जितनी कैरी ले ली है, थोड़ी हार्ड कैरी लेनी है हमें और इसे गंजा कर लेना है। के इसको इंग्लिश एक्सेंट में बोलेंगे पील कर लेना है, हमारी देसी जबान में बोलेंगे इसे छील लेना है, ठीक है। इसका छिलका हमें उतार लेना है वॉश करके अच्छी तरीके से। अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ हमने एक कद्दूकस करने वाला जो भी बोलते हैं इसको, इसमें कद्दूकस कर लेंगे। अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। कैरी पे आपने बिल्कुल रहम नहीं खाना है, इसको घिसते जाना है जब तक इसकी गुठली नहीं निकल आती है। कैरी को यहाँ हमने कैरी को यहाँ हमने कद्दूकस कर लिया है अच्छी तरीके से। अब हमने यहाँ पर कोई भी गहरा बर्तन ले लेना है। फ्लेम हमने यहाँ ऑन कर दी है, मीडियम रखी है फ्लेम। इसके अंदर हम अपनी कद्दूकस की भी कैरी ऐड कर देंगे। अब इसमें 2 गिलास जितना पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसमें 1 से 2 उबाल आने तक इसे कुक करेंगे, क्योंकि इंग्लिश एक्सेंट वाले ज़्यादा हिट हो रहे हैं आजकल। हम जैसे देसी तो बस मेहनत ही करे जा रहे हैं। 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं इसमें। अब हम इसे ड्रेन कर लेंगे, छन्नी में छान लेंगे, इसका पानी निकाल लेंगे ताकि जो इसका जो खट्टापन है वो कम हो जाए। पानी यहाँ हमने ड्रेन कर लिया है, वापस हमने मीडियम फ्लेम पे इसे रख दिया है। अब इसमें 1/2 kg जितनी चीनी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। प्यारी चाची रेसिपी दे रही हूँ, मेरे प्यारे चाचा को ज़रूर आपने ये बना के खिलाना है, क्योंकि मेरे चाचा का मोस्ट फेवरेट है ये। जैम जैसा बनता है, बच्चे भी बड़ा शौक से खाते हैं। पिछली गर्मियों में मेरी सिस्टर आई थी एब्रॉड से यहाँ पर, तो उनके जो बच्चे हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, वो कहते थे मासी आई वॉन्ट टू ईट जैम, तो मैं उनके लिए बनाती थी, ये बड़ा ही शौक से खाते थे। अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर मेरे पास एक बड़ी दालचीनी की स्टिक है, इसे मैं पीसेस कर लूँगी इस तरह से। अब हम इसमें 2 अदद लौंग डालेंगे। नाक की लौंगे नहीं डालनी है आपने निकाल के, गरम मसाले की लौंगे डालनी है। ये देखिए 2 अदद लौंगे हमने इसमें ऐड कर दी। 1/2 teaspoon जितना यहाँ ऑरेंज फूड कलर जर्दे का रंग ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह कुक करेंगे, इतना पकाएंगे जैसे सियासतदान जो है अपनी कॉन्फ्रेंस में आवाम को पका देते। अब हम इसे कवर करके 10 टू 15 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि जो ये इसका पानी है वो रिड्यूस हो जाए और ये एक चाशनी नुमा जो है इसका टेक्सचर हो जाएगा। ये इसको कवर कर देंगे हम 15 मिनट्स के लिए। जी तो इसका पानी रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे। चेक इसे हमें इस तरह करना है, ये थोड़ा सा हम स्पून में लेंगे, देन किसी भी प्याले या प्लेट में इसे निकालेंगे। अगर इसकी चाशनी जो है वो थिक हो चुकी है इस तरह की, तो इसका मतलब है ये तैयार है, ये हमारा रेडी है। जी तो मज़ेदार सा मुरब्बा बनके हमारा रेडी है और इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, ब्रेड के साथ बहुत मज़े से खा सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। ये अभी थोड़ा सा गर्म है तो इसलिए थोड़ा ये थिन है, जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा तो ये थिक होता जाएगा। मैं इसे रोटी के साथ टेस्ट कर रही हूँ। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही उम्दा बना है
इस मुरब्बे को आप 1 मंथ तक एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर एक मुक्का मारना है आपने। ओके, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।